आज हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं फोर पॉइंट ट्रैकिंग, कि फोर पॉइंट ट्रैकिंग क्या होती है और इसको किस तरीके से हम लोग यहाँ पे ट्रैक करते हैं। बेसिकली चलते स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देख रहे होंगे, फोर पॉइंट ट्रैकिंग का मतलब सिंपल सा ये होता है कि जिसमें आप फोर पॉइंट को ट्रैक करते हैं। जैसे कि इसमें टीवी स्क्रीन्स आ जाती है, मे बी इसमें आपके पास होर्डिंग हो सकती है यहाँ पे, तो कोई भी जैसे मॉनिटर हो गया, टीवी स्क्रीन्स हो गई, होर्डिंग हो गई, कोई बोर्ड हो गया यहाँ पे, इस तरीके की सारी चीज़ें जो है वो हम लोग यहाँ पे फोर पॉइंट ट्रैकिंग में ट्रैक करते हैं। जैसे एग्जांपल्स, हमें ये होर्डिंग को चेंज करना है तो इसको हम लोग फोर पॉइंट ट्रैकिंग में यहाँ पे ट्रैक करते हैं। उसी तरीके से अगर अपने पास ये मॉनिटर है, हमें स्क्रीन्स को यहाँ पे रिप्लेस करना है, दूसरी स्क्रीन से यहाँ पे प्लेस करनी है, तो ये सब फोर पॉइंट ट्रैकिंग में आता है यहाँ पे। तो चलते हम लोग फोर पॉइंट ट्रैकिंग कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे मॉनिटर वाले शॉट को कवर करने जा रहे हैं। तो आप चलते स्टार्ट करते हैं ट्रैकिंग। तो आप शॉट देख रहे हैं, जस्ट इसको मैं प्ले कर रहा हूँ यहाँ पे। तो उसके लिए बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ट्रैकर लेना पड़ेगा। तो टैब बटन को प्रेस किया और ट्रैकर आ गया। अब स्टार्टिंग्स पे अपना सी टी आई आ गया यहाँ पे, और जस्ट मैं पहला ट्रैकर ऐड करूँ, जस्ट क्लिक करूँ, जस्ट ये ट्रैकर क्लिक कर दिया, और जस्ट मैं इस पोजिशन पर यहाँ पर प्रेस कर रहा हूँ स्टार्टिंग्स में कॉर्नर पर। तो नौ सी देखते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग्स में, जस्ट ट्रैक टू एंड, ठीक है, ये ट्रैकर ट्रैक हो गया ना। मुझे दूसरा पॉइंट ट्रैक करना है तो स्टार्टिंग्स पे आ गए, जस्ट मैं सेकंड ट्रैकर ऐड कर रहा हूँ, जस्ट क्लिक, जस्ट ये सेकंड ट्रैकर स्टार्टिंग्स पे ट्रैक टू एंड। नाउ जस्ट लिटिल बिट डिस्टर्ब हो रहा है, थोड़ा सा हम यहाँ प्लेस कर दे रहे, और जो भी डेटा कलेक्टेड है यहाँ पे फॉरवर्ड का यहाँ पे, तो जस्ट क्लियर कर दिया उसको, और फिर से हम लोग फ्रेम 43 से आगे फॉरवर्ड ट्रैक करेंगे। जस्ट इस पर क्लिक कर दिया तो सेकंड पॉइंट यहाँ पे ट्रैक हो गया है यहाँ पे, ठीक है ना। उसी तरह के हम लोग जस्ट यहाँ पे, अब स्टार्टिंग्स में क्योंकि मुझे दो ट्रैकर्स और ट्रैक करने हैं, तो मैं दोनों ट्रैकर को यहाँ पे एक साथ ट्रैक कर दे रहा हूँ यहाँ पे, जस्ट थर्ड ट्रैकर और जस्ट फोर्थ ट्रैकर। नाउ अब मुझे दोनों एक साथ ट्रैक करने हैं, तो हम दोनों ट्रैकर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे जो भी है थर्ड एंड फोर्थ उसको सेलेक्ट करके जस्ट यहाँ पे ट्रैक टू एंड। तो एक साथ आप चाहें तो एक साथ ट्रैक कर सकते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे, तो जो भी ट्रैकर्स है वो यहाँ पे ट्रैक हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमने जस्ट इसमें क्या कर दिया, फोर ट्रैकर्स को यहाँ पे ट्रैक कर लिया है यहाँ पे। इसके बाद हमें क्या करना है कि जो भी स्क्रीन को जस्ट स्क्रीन में यहाँ पे फिट करना है, तो उसमें क्या करेंगे, इस ट्रैकिंग ट्रैकर से अपना ट्रैकिंग डेटा जनरेट करेंगे। तो उसके लिए चारों ट्रैकर आप सेलेक्ट करेंगे, ETI स्टार्टिंग्स पे हमने कर लिया है, और जस्ट एक्सपोर्ट में जाके हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे कॉर्नर पिन यूज करेंट फ्रेम यहाँ पे, ठीक है। तो जस्ट सिंपल सा हम लोग कॉर्नर पिन यूज करेंट फ्रेम पे क्लिक करेंगे और डेटा को एक्सपोर्ट करेंगे या क्रिएट करेंगे। तो जैसे क्रिएट करेंगे आप देखेंगे जस्ट ये आपके पास यहाँ पे कॉर्नर पिन यहाँ पे नोड जनरेट हो गया है। नाउ सी, अब मैं मान लेता हूँ सपोज मुझे इस स्क्रीन्स को अपनी स्क्रीन्स में फिट करना है, तो नॉर्मल मर्जर बैकग्राउंड, जिस चीज़ को फिट करना है वो फॉरग्राउंड बनेगी यहाँ पे। नाउ मैं वन प्रेस करता हूँ यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे। अब जैसा कि आप इसमें देख रहे होंगे यहाँ पे जो स्क्रीन है अपने पास जिसको मुझे टीवी की स्क्रीन पे फिट करना है, वो अभी यहाँ पे फिट नहीं हुई है बेसिकली यहाँ पे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो डेटा जनरेटेड है उसको यहाँ पे कनेक्ट कर दे रहा हूँ, जस्ट सेलेक्ट और जस्ट इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। नाउ सी, अब अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन प्ले तो हो रही है लेकिन वो एग्जैक्ट उस स्क्रीन में फिट नहीं है यहाँ पे। तो उसके लिए हमें बेसिकली यहाँ पे क्या करना होता है कि जो कॉर्नर पिनिंग है CTI स्टार्टिंग्स पे है, डबल क्लिक करेंगे और राइट साइड में जो कॉर्नर पिन है उसमें एक ऑप्शन होता है फ्रॉम, फ्रॉम में जाके जस्ट हम लोग फ्रॉम में जाएंगे और क्लिक कर देंगे सेट टू इनपुट। तो ये बेसिकली क्या करेगा कि जो भी इमेज के फोर पॉइंट्स हैं, चार पॉइंट्स हैं, उसको जो ट्रैकर्स के पॉइंट है उसमें फिट कर दे रहा है यहाँ पे। जस्ट सेलेक्टेड है यहाँ पर राइट साइड में फ्रॉम में सेट टू इनपुट। जैसे आप सेट टू इनपुट करेंगे तो आप देखेंगे जो इमेजेज है वो एग्जैक्ट स्क्रीन में फिट हो जाएगी यहाँ पे।
ठीक है, नाउ आप प्ले करके देखते हैं। तो जस्ट मैं स्टार्टिंग्स में आ जाता हूँ और जस्ट इसको प्ले करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो स्क्रीन से वो एग्जैक्ट उसमें फिट हो गई है यहाँ पे मॉनिटर्स में। यहाँ पे इसके बाद हम इसमें लिटिल बिट यहाँ पे फाइन ट्यूनिंग करेंगे। फर्स्ट जो एजेज है उसको लिटिल बिट यहाँ पे सॉफ्ट करेंगे, लिटिल मुझे भी हार्ड एजेज दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे। या सेकेंड जो लिटिल बिट यहाँ पे आपको एक गैप दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, तो अगर आपके पास इसके बाद इस गैप को फिलअप करना है बेसिकली, तो ये सब किस तरीके से यहाँ पे कवर अप करेंगे, तो उसके लिए हम लोग बेसिकली यहाँ पे क्या करते हैं ना, उसको लिटिल बिट यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर दूँ। तो ये जो कॉर्नर पिनिंग लगाया हुआ हमने यहाँ पे, तो इसका सिर्फ काम है कि इस स्क्रीन को इस मॉनिटर में फिट करना और उसको फॉलो करना उसके मोशंस को। लेकिन जो लिटिल बिट ये गैप रह गया है उसको फिलअप करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इससे पहले एक और कॉर्नर पिनिंग यहाँ पे लगा देते हैं। जस्ट इसको सेलेक्ट किया, टैब बटन प्रेस कर दिया और कॉर्नर पिनिंग यहाँ पे लगा दिया। नाउ अब हम मैन्युअली अपने जो ये एजेज है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो जस्ट मैं इसको एडजस्ट कर दे रहा हूँ। ये हमने यहाँ पे इसको एडजस्ट कर दिया है। इसके बाद अब आप देखेंगे अगर मैं प्ले कर रहा हूँ तो जहाँ तक आपने स्क्रीन को एक्सटेंड किया वो एक्सटेंड हो गई है और जो सेकेंड कॉर्नर पिनिंग है वो उसको फॉलो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। नाउ इसके बाद फाइनली हम लोग एजेज को लिटिल बिट यहाँ पे सॉफ्ट करेंगे, तो ये जो सेकेंड कॉर्नर पिनिंग है उसके बाद हम लोग यहाँ पे एज ब्लर लगा दे रहा हूँ। जस्ट सेलेक्ट किया, टैब बटन प्रेस किया, एज ब्लर, जस्ट एज ब्लर। तो आप देख रहे होंगे बिल्कुल यहाँ पे एजेस सॉफ्ट हो गई हैं। अगर आप मैं इसको डीप्रेस कर दूँ, डिसेबल करूँ, तो आप एजेस को देखेंगे किस तरीके से वो दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अब फाइनली लिटिल बिट अगर मैं इसको प्ले करूँ तो आप देख रहे होंगे कि एग्जैक्ट बिल्कुल अपने आपकी स्क्रीन को फॉलो कर रही है यहाँ पे। तो लास्ट ऑप्शन थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई कर देता हूँ कि जो ओवरऑल जो वीडियो है वो लिटिल बिट आपको डिसैचुरेटेड दिखाई पड़ रहा है, उतने कलर इंटेंस नहीं हो रहे, लेकिन जो हमने यहाँ पे स्क्रीन्स को फिट किया उसमें लिटिल बिट यहाँ पे सेचुरेशन कलर वैल्यू ज़्यादा है यहाँ पे सेचुरेशन। तो जो इमेजेज है उसी के बाद जस्ट यहाँ पे हम यहाँ पे जस्ट कनेक्ट कर देंगे सेचुरेशन नोड। तो टैब बटन प्रेस किया, सेचुरेशन, तो जस्ट सेचुरेशन यहाँ पे लगा दिया और इसमें सिंपल सा जस्ट ऐसे कनेक्ट कर दिया। और इस सेचुरेशन में राइट साइड में जो पैरामीटर्स लिटिल बिट सेचुरेशन वैल्यू यहाँ पे कम कर दी, डीसेचुरेट कर रहा हूँ लिटिल बिट, तो जस्ट इस तरीके से। अप्रॉक्सीमेटली लगभग यहाँ पे लेवल मैच हो रहा है यहाँ पे साथ साथ लिटिल बिट। अगर यहाँ पे चाहें तो जस्ट आप जी ग्रेड नोड और जी लिटिल बिट यहाँ पे इसमें गेन कम कर दे रहे हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा डल ही दिखाई पड़ेगी, क्योंकि हमें बिल्कुल क्या करना होता है कि जो बैकग्राउंड उसके हिसाब से इसको मैच करना होता है। नाउ अब अगर मैं इसको प्ले करूँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो आपके पास स्क्रीन थी वो एग्जैक्ट हमने उसमें फिट कर दी है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप किसी भी शॉट को यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं, चाहे मॉनिटर्स हो या अपने पास ये होर्डिंग्स हो। तो अगर आप देख रहे होंगे उसी तरीके से आप इस होर्डिंग को ट्रैक कर सकते हैं और इसमें कोई भी होर्डिंग को रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये अपने पास यहाँ पे 4 पॉइंट ट्रैकिंग्स है। तो फाइनल आउटपुट जस्ट इस मर्जर में 1 प्रेस कर दे रहा हूँ कि आपको आउटपुट यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा। तो सिंपल से ऑप्शन है।